विद्युत तरंगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं इस बिजली के गोले को धरती पे रहने ही नहीं दूंगी। बाल सखी, बाल मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ बाप रे, बाप रे बाप। अरे क्या है, यही तो हूँ। अरे बापूजी, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको पता है, कच्चा पापड़ बाहर रखते हैं ना तो दो मिनट में, सिर्फ दो मिनट में पक जाता है। चल तू पका मत, मतलब तेरी बात सही है, गर्मी कितनी ज्यादा है, ये एसी भी कुछ असर नहीं कर रहा है। अरे बापूजी, मुझे तो लगता है पूरे घर में अब एक फ्रिज ही ऐसी जगह बची है जहाँ थोड़ी बहुत ठंडक है। अच्छा, कहाँ जा रहा है? फ्रिज में बैठने। बापूजी गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ऑलरेडी गर्म है, फालतू जोक मत कीजिए। महेश, बापूजी गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ऑलरेडी गर्म है, फालतू जोक मत कीजिए। पानी लेने जा रहा हूँ। फ्रिज में बैठने जा रहा है? फालतू जोक। फ्रिज में बैठने जा रहा हूँ, फालतू जोक करता हूँ मैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है फ्रिज में बैठने का। ऐसे लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली में बैठ के ठंड के मजे ले रहा हूँ। हाँ हे भगवान, इन लोग को कितनी बार कहा कि फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद करो, लेकिन नहीं समझते ही नहीं है। अभी तो इसे लॉक ही कर देती हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे कोई सुन रहा है? मैं हूँ अंदर, सुनो। ये तो जीजा जी की आवाज लगती है, लेकिन इतनी दूर से क्यों आवाज दे रहे हैं? लगता है दूर जाके ही देखना पड़ेगा। गर्मी में ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ और है। अरे कोई खोलो। ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी कहाँ से बोल रहे हैं? अरे कोई खोलो। बापूजी आप फ्रिज में हैं? बापूजी अरे खोलो। आवाज तो फ्रिज में से ही आ रही है, इसका मतलब है बापूजी फ्रिज में ही है। अरे मैं फ्रिज में ही हूँ। चलो ठीक है, बापूजी फ्रिज में है, घर में ही है, टेंशन नहीं। अरे मुझे बाहर निकालो। हाँ बापूजी, हाँ खोलता हूँ, खोलता बापूजी, खोलता हूँ। अरे खोलना। बाबूजी खुल ही नहीं रहा है दरवाजा। बाबूजी ये फ्रिज का डोर, हाँ है। बाबूजी फ्रिज का डोर लॉक है। फ्रिज के डोर की चाबी है क्या आपके पास? अरे मैं अंदर हूँ तो चाबी मेरे पास कैसे होगी? आप अंदर है तो फ्रिज की चाबी आपके पास नहीं है, मैं बाहर हूँ तो फ्रिज की चाबी मेरे पास नहीं है, तो फ्रिज की चाबी है किसके पास? चाबी मामी, बाबूजी चाबी तो मासी के पास है, और मासी बाहर गई है, घर के बाहर गई है, 4 घंटे के लिए कीर्तन में गई है। अब क्या होगा?
अरे वो आएगी तब तक तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 4 घंटे के लिए मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपका बिजली का गोला इतना खतरनाक था तो आपको हमें इस बारे में बताना चाहिए था। मैं डर गया था बालवीर, मुझे लगा कि मेरे इन्वेंशन के फेल होने की खबर अगर बाहर पहुंच गई तो मेरे सालों की मेहनत, मेरा सारा नाम सब सब मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर ना तो मुझे कोई नई इन्वेंशन करने को मिलेगी और ना ही कोई नई रिसर्च। लेकिन आपने इतना खतरनाक आविष्कार बनाया है क्यों? I'm sorry, इन सब के लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सब? हाँ, हम सब, मैं, तुम, बल्कि हमारा पूरा देश, क्योंकि हमारी वजह से हर साल पुराने टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिन्हें हम फेंक कर भूल जाते हैं, वो लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा वेस्ट का रूप ले लेता है और जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देता है। बस उसी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैं फिर से यूज करना चाहता था, इसलिए मैंने बिजली के गोले का इन्वेंशन किया था। लेकिन बिजली के उन अनुपयोगी उपकरणों को वापस उपयोग में कैसे लाया जा सकता है? लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के सर्किट उनकी बैटरीज में खत्म होने के बाद भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बची होती है, और उसी एनर्जी को मैं अपने बिजली गोले में डालकर कई गुना ज्यादा बिजली बनाना चाहता था ताकि हमारे देश में कहीं भी बिजली की कमी ना हो। पर इससे पहले कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट करता, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से बिजली गोला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बजाय अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण से बिजली खींचने लगा, और मुझे अपने इस एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ा। पर मेरा लालची असिस्टेंट, वो इस इन्वेंशन से बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत अमीर बनना चाहता था, इसलिए वो बिजली का गोला यहाँ से चुरा कर भागा। हमने उस बिजली के गोले को धरती के अंदर समा दिया तो अब तो कोई खतरा नहीं है ना? खतरे की बात तो है, क्योंकि वो बिजली माना उस गोले को ज्यादा देर जमीन के अंदर नहीं आने देगा। बिजली माना? अभी बिजली मानव कौन है? बिजली का उपयोग करने के लिए हमेशा से 2 सोर्स होते, एक बिजली लेने वाला जो कि बिजली का बॉल, और दूसरा बिजली अपने अंदर लेकर आगे देने वाला जो कि है बिजली मानव। बिजली के बॉल के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली एक जीवांश डाला था। अब जैसे जैसे बिजली का गोला अपने आसपास की ऊर्जा लेकर बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर का जीवांश भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, और अभी बिजली का गोला जितना बड़ा हो चुका है उसके हिसाब से बिजली मानव अपने संपूर्ण स्वरूप में आ चुका होगा। बिजली मानव धरती के ऊपर रहने के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए जब वो अपने आप को धरती के नीचे के माहौल में खतरा महसूस करेगा तो वो खुद ऑटोमेटिकली सेल्फ सिक्योरिटी मोड में आ जाएगा और वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद को जागृत करेगा। अब बिजली मानव जो कुछ भी करेगा सब कुछ अपने दिमाग से करेगा, उसका सेल्फ कंट्रोल ब्रेन उसके शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके बिजली गोले को धरती से बाहर लाने के लिए बताएगा। इस समय बिजली मानव बहुत ही शक्तिशाली होगा और खतरनाक भी, क्योंकि इस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं जो उसे बता सके कि उसको अपने अंदर की ऊर्जा को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। इस समय उसके सामने जो कोई भी आएगा वो उसके लिए उसका दुश्मन होगा और वो खुद भी सामने वाले के लिए खतरा बन जाएगा। सुरक्षित, बिजली मानव सुरक्षित, लेकिन जिन धरती वासियों ने हमें जमीन के नीचे भेजकर खतरे में ढकेला है, जिन्होंने हमें अंधकार में ढकेलने की कोशिश की है, बिजली मानव उन्हें हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल देगा।
जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर बिजली मानव धरती के बाहर आ गया तो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे पास बहुत कम समय है। आप उस बिजली मानव को धरती के अंदर ही समाप्त करने का कोई उपाय ढूंढिए। ठीक है बाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो गलती मुझसे हुई मैं समय रहते उसे सुधार सकूं, और बिजली मानव और बिजली गोले को किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले रोक सकूं। अरे कोई खोलो, यहाँ मैं परेशान हूँ, इनको क्या है, क्या क्या है? अरे खोलो, महेश। हाँ? फ्रिज पे कान लगा के क्या कर रहे हो? मासी की राह देख रहा हूँ। महेश। हाँ? मासी। हाँ? आप कहाँ गई थी मासी, ये कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ? बापूजी अंदर है। हाय हाय, जेल में? जेल में नहीं मासी, बापूजी फ्रिज के अंदर हैं। हाँ तो निकालो। कैसे निकालो, चाबी मेरे पास नहीं। चाबी तो आपके पास है ना, लाइए। नहीं चाबी मेरे पास नहीं है। बेड़ा गर्क, सत्यानाश बापूजी, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। सॉरी सॉरी सॉरी, चाबी मेरे पास है। सॉरी 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 बापूजी, अच्छी खबर है, लाइए 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 चाबी लाइए। आइए बापूजी, खोल रहा हूँ। अरे जी कोशिश करता हूँ बाबूजी, आप भी जरा ट्राई कीजिए। हाँ ये पहले ये पहले ये हाथ पाओ जा, ये कमर यहाँ से, ये खुल गया। अरे हाँ ये बाकी, ये अभी भी ठंडा ठंडा लेके खड़े हो। ये लो, ये सादा पानी पियो अभी। हाँ हाँ ठीक है। कर रहा है महेश। बाबूजी ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडक ले रहा हूँ। अब मेरा दिमाग गरम होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ओके मैं। मानव और बिजली गोला धरती के बाहर आ गए। हाँ रानी परी, और धीरे धीरे वो धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बाल मित्र, बाल सखी, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इससे पहले कि वो बिजली मानव पूरे शहर में विनाश का तांडव मचा दे, आप तीनों को उसे रोकना ही होगा। ऐसा ही होगा रानी परी। हो सकता है रानी परी, हमें विजधार परी की भी आवश्यकता पड़े। बालवीर, आप जब मुझे पुकारेंगे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। इस बार हम उसे किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं देंगे। बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, हमें आप तीनों से यही आशा है, लेकिन इस बार हमें बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ही खतरनाक है और उसे इस बार हराना इतना आसान नहीं होगा। अभी तो बिजली मानव ने शहर में सिर्फ अंधेरा किया है, लेकिन अब बिजली मानव उन तीन योद्धाओं को खत्म करेगा जिन्होंने बिजली मानव को धरती में समा दिया था। फिर बिजली मानव इस शहर में इतना विनाश करेगा, ये पूरा का पूरा शहर वीरान हो जाएगा। एक तो ये गर्मी कितनी बढ़ गई है, उसमें ये बिजली चली गई, नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। कौन है? कोई है। कौन है? कोई घर में है। कौन है? कोई तो है। कौन है? पकड़ लिया। अरे महेश, मुझे मार रहा है। मेरे बाबूजी को मारा। ये गधे, तू मुझे ही मार रहा है। सॉरी, मुझे लगा कोई चोर का आदमी आपको मारा और मैं चोर को मार रहा। ये कौन हल्ला मचा रहा है? बाबूजी, बाबूजी जाइए ना, जाइए, बाबूजी मुझे बचाइए, मुझे जाइए, जाइए। बाबूजी, भूत ने मुझे पकड़ लिया है, बचाइए। अरे भूतनी नहीं, मैं मासी हूँ। मासी? क्या कर रही हैं आप? अरे टॉर्च हटाइए चेहरे पर से। हाँ हाँ। ये विकराल भूतनी जैसी लग रही हैं आप। बापूजी, मासी है। डरपोक बापूजी। ए, तुम लोग डरो मत, मैं वो लेके आती हूँ जो रात को जलाते हैं। क्या टॉर्च? नहीं जीजा जी, टॉर्च नहीं, अरे वो जो दिया सली से जलाते है ना। अच्छा वो अपना गैस स्टोव। लेकिन मासी, आधी रात को आपको गैस जलाना क्यों है? तेरे लिए गरम गरम जलेबी तलेगी। बापूजी, मुझे मजाक पसंद नहीं है, इस आधी रात को मजाक मत कीजिए। हाँ लेकिन मुझे आधी रात को मजाक पसंद है। तो कीजिए ना, लेकिन एक बार मोमबत्ती जल जाए उसके बाद मजाक कीजिए। हाँ मोमबत्ती, मैं इसके बारे में तो बोल रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? रुको मैं लेके आती हूँ। तो तय हो गया कि मोमबत्ती जल जाने के बाद हम लोग मजाक करेंगे। मजाक नहीं बापूजी। यहाँ पे जलाते हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश जाएगा। ला, ए, ला, ये, देखा बाबूजी, ऐसे जलाते हैं, ये हुनर चाहिए, हुनर। चलो अभी मजाक करते हैं। बाबूजी क्या मजाक, अब तो सीरियस हो गए। अरे मैं सीरियसली मजाक कर रहा हूँ। बापूजी ये मजाक करने का वक्त है। लेकिन हमारी बात हुई थी ना, मोमबत्ती जल जाने के बाद मजाक करेंगे। बापूजी मजाक नहीं चाहिए, मुझे बोल दो तो मैं। क्या मजाक? बापूजी आप मजाक मत कीजिए, ऐसा मजाक मत कीजिए। बापूजी मैं डर गया हूँ। बापूजी बापूजी आप बचाइए ना, पूरे घर को बचाइए। घर का बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ और मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ कि तू जा। बापूजी ऐसा मत कीजिए। बापूजी कोई नहीं। बापूजी मुझ में हिम्मत नहीं है भाई, मुझ में हिम्मत नहीं है। बापूजी आ जाइए। ए मुझे मत देखो, मैं नहीं जाने वाली। बाबूजी उठिए 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 बापूजी। अरे बापूजी कुछ नहीं था, खोदा पहाड़ निकला चूहा।
बाबूजी, चूहा निकलने से एक बात तो समझ में आ गई। देखा, आपकी सारी अकड़ निकल गई। बाबूजी, बाबूजी, छाती में मरीज, जल्दी चल, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अभी बहुत टाइम है, चलो, डोंट वरी। कौनसी मुसीबत है मोंटू, मुझे तो खुश होना चाहिए ना, तेरे अलावा हमारी जिंदगी में एक और मुसीबत आ गई है। बिजली मानव को वो तीन बच्चों की तलाश है जिन्होंने बिजली गोला रोकने की कोशिश की थी। ये कौन से तीन बच्चों की बात कर रहा है मोंटू बॉस? कहीं इस पे आपका तो हाथ नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो तो तीन बच्चों की बात कर रहे हैं ना। अरे सलोनी, जरा मोंटू को गौर से देख, वो तीन के बराबर ही दिखता है। पता नहीं अबे बिजली मानव क्या करेगा। मोनिका, पिछली मानव को तुम्हारा ही इंतजार था। आ!
इतनी गर्मी है। हाँ बापू जी, क्या है ये? किससे पानी गिरा यहाँ पे? अरे बेटा ये पानी नहीं, मेरा पसीना है जो पानी की तरह बह रहा है। बापू जी यहाँ सूखा गिरा है, आप अपना पसीना पानी की तरह बहा रहे? अरे आपको तो पानी बचाने के वो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अरे एक तो पहले से गर्मी से परेशान है, उसमें तेरा मुंह चल रहा है। तू मुंह बंद करना, रेडियो चालू कर, क्योंकि टीवी तो चलेगा नहीं। बेटा मुझे गाना नहीं सुनना है, मुझे न्यूज सुनना है। अभी लगाता हूँ। सॉरी सॉरी मास्टर साहब। पूरे शहर की बिजली बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट के गायब हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी बिजली खा गया हो। बिजली विभाग का कहना है कि बिजली कब तक आएगी कह नहीं सकते। अरे ऐसे तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगा। काश काश मैं किसी राज्य का राजा होता और मेरे आजू बाजू दो दरबान होते जो मुझे पंखा झाड़ते। क्या बात है बाबूजी। क्या बात है, आपने गजब का आइडिया दिया है। अब देखना दरबान सिर्फ आप ही को नहीं, हम सबको हवा देगा। तुमने बिजली मानव और बिजली गोले को नष्ट करने की कोशिश की है, बिजली मानव तुम्हें जरूर नष्ट करेगा। बिजली मानव को रोकने की गलती की है, बिजली मानव तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। सलोनी होश में आओ जल्दी। बाजी तुम जल्द से जल्द सलोनी को हॉस्पिटल लेके जाओ, हम इस बिजली मानव को रोकते हैं। नहीं ये बिजली मानव बहुत शक्तिशाली है, तुम दोनों अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे। नहीं बालवीर, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ अच्छाई और सच्चाई की ताकत भी है। हाँ बालवीर, और इस समय सलोनी को हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तुम सब भी यहाँ से अपने घर चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी चोट लगे। जाओ मैं अभी इस बिजली मानव को मूर्ति बना देता हूँ। बाल मित्र, यहाँ से सब सोफा और सब हटा दिया और ये लगा दिया, ये कौन सा तरीका है हवा खाने का? पुराने तरीके भूल गए बापूजी? महेश पुराने तरीके भूल गए बापूजी? ये आप ही के जमाने का नुस्खा है। देखिए बापूजी क्या है, ये झूले पर जो बैठेगा वो झूला झूलने से उसे तो हवा लगेगी ही,
लेकिन इस झालर की वजह से नीचे जो लेटेगा उसे भी जबरदस्त हवा लगेगी। वाह वाह महेश वाह, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है ना कि तुम्हें वो देने को मन कर रहा है। क्या? अरे वो जो हाथ उठा के देते हैं ना, चाटा। अरे नहीं जीजा जी, चाटा नहीं, जब महेश तुम जीजा जी के पैर छूते हो तब वो देते हैं ना वो प्रसाद। वो क्या होता है? अरे जब महेश मेरे पैर छूता है तो मैं उसे प्रसाद ही देता हूँ। क्या है बाबूजी? लेकिन लास्ट टाइम मैंने जब आपके पैर छुए थे ना तो आपने मुझे लात मारी। हाँ, क्योंकि तू तब मेरे पैर नहीं छू रहा था, मेरे पैर में गुदगुदी कर रहा था। बापूजी मैं तो आपके आशीर्वाद लेने आया था। ए, मासी आप आशीर्वाद की बात कर रही है? हाँ, आशीर्वाद पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, जा, 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 वो सब छोड़ो, वो सब जाने दो, अब मैं डेमो देता हूँ। देखिए ये मैं, लेकिन लोग मेरे आजू बाजू में खड़े रहेंगे और मुझे हवा डालेंगे, ऐसा मेरा सपना था। हाँ तो आप ही का सपना पूरा कर रहा हूँ बापू जी। मासी सबसे पहले आप यहाँ इस गद्दे पे आके लेटिए। अरे बापे, किसने तो इनको चिपका दिया, लगता है हमारे भागने का समय आ गया। चल भागते। रुको, हम बाल सखी और बाल मित्रों को ऐसे खतरे में डाल के नहीं जा सकते, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन वो तो इतना डेंजरस है, मोनिका उससे कैसे लड़ेगी? मोनिका तुमको क्यों लड़ना है, मोंटू बॉस है ना, मोंटू बॉस लड़ेंगे उससे। हाँ, हाँ, और सारे करंट भी खाएंगे। हाँ ना। हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी तो हम बाल मित्र और बाल सखी को बचा पाएंगे। अरे मनीष पर कैसे? हमारे बैग में जितने भी वार करने वाली चीजें सब निकालो। निकल बैग। चलो तुम बच्चों ने बिजली मानव पर हमला कर बिजली मानव को खतरे में डाला और बिजली मानव को अपना दुश्मन बना लिया है। मानव को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, बिजली मानव तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू। क्या बाल सखी, तुम भी तो हमें हमेशा बचाते हो। अरे आज मोंटू ने हमें बचाया, मोंटू यार रियली कूल 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 कूल। डॉक्टर साहब सलोनी
चोट अंदरूनी है बालवीर, कॉलोनी का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन पूरे शहर की बिजली नहीं आ रही है, इसलिए हम कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं ले पा रहे। आप बिजली की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, आपको सलोनी को ठीक करने के लिए जो भी करना है जरूर कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस अस्पताल में बिजली जरूर आएगी। ओके, मगर सोच लो बालवीर, अगर ऑपरेशन के बीच में बिजली चली गई तो सलोनी का बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, इस अस्पताल में बिजली जरूर आएगी, बस सलोनी जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि इस अस्पताल का बिजली कक्ष कहाँ पे है? उधर नीचे बेसमेंट में। बालवी, वो सलोनी? जल्दी ठीक हो जाना सलोनी, मैं मिलकर मोंटू की बहुत बैंड बजानी है। हाँ सलोनी, और तुम्हें फ्रेंडबुक पे मोनिका का फ्रेंड रिक्वेस्ट भी तो एक्सेप्ट करना है ना। दोस्तों चिंता मत करो, सलोनी को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब आप सलोनी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आता हूं। विस्तार परी, बालवीर, विस्तार परी, हमें आपकी इस समय बहुत जरूरत है। दरअसल अस्पताल में बिजली नहीं है और सलोनी को बिजली मानों ने बहुत तेज झटका दिया है और इसलिए उसको ऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है बालवीर, मैं अभी इस हॉस्पिटल में बिजली लाती हूँ। बिजली मानव पर पानी डालकर बिजली मानव के सर्किट खराब करने की कोशिश की। अब बिजली मानव इन्हें बताएगा कि बिजली मानव के कारण से कितना बड़ा शॉक लग सकता है। तुम्हें बालवीर के सामने करूंगा ताकि उसे पता चल सके कि बिजली मानव से टकराने का क्या हश्र हो सकता है। लाइट तो फिर से चली गई, अब क्या होगा बालवीर? चिंता मत करो मनीष, सलोनी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बालवीर। मनीष तो चिंता मत कर, बालवीर कह रहा है ना कि वो सब ठीक कर देगा। अब मनीष तुम यहाँ के बैठो, बैठो। आशा की बाल मित्र, बालवीर सलोनी कैसी है, सब ठीक तो है ना? सलोनी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है और हमने
मदद के लिए विस्तार परी को भी बुलाया है, पता नहीं क्यों विस्तार परी के होते हुए भी यहाँ पर बिजली आ नहीं रही है। डॉक्टर साहब सलोनी बिजली तुरंत नहीं आई तो सलोनी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों तुम सब यहीं पर रुको, हम आते हैं। चलो मानव इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं आने देगा और जो बिजली मानव को रोकने की कोशिश करेगा बिजली मानव उसकी जिंदगी का करंट हमेशा के लिए रोक देगा। तुम्हारी बिजली की तरंगे भी रुकेगी और इस अस्पताल में बिजली भी रहेगी। बिजली मानव की बिजली शक्ति का तुम दो पल भी सामना नहीं कर पाओगे। दो पल का तो मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा बिजली मानव। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बिजली मानव तीनों बहुत शक्तिशाली हो लेकिन बिजली मानव जितने नहीं। तुम तीनों बिजली मानव की बिजली तरंगों से ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। तुम्हारी जैसी कई बुरी शक्तियों का घमंड हमने तोड़ा है और आज तुम्हारा भी तोड़ेंगे। बिजली मानव की तरंगे कमजोर क्यों पड़ रही है? बिजली मानव के अंदर की बिजली खत्म हो रही है, हमें उससे अपने ऊपर भार करवाकर उसके अंदर की बिजली को भी समाप्त करना होगा ताकि वो एकदम कमजोर हो जाए।
कभी अच्छाई और सच्चाई को नहीं हरा सकती, देर से ही सही, लेकिन बुराई को अच्छाई और सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है, जैसे अभी तुम हमारे सामने झुके हुए हो बिजली माना। बालवीर, हम इसे अभी साइंटिस्ट के पास लेके जाते हैं ताकि वो इसे अच्छे से नष्ट कर सके। बाल सखी, बाल मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली मानव बिजली गोले तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना फिर से उसमें जाकर अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लेगा और फिर से उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा जितना पहले था, और फिर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो बिजली मानव बिजली गोले तक नहीं पहुंचेगा। बाल मित्र, बाल सखी, अभी वो कमजोर है और यही सही समय है उसे समाप्त करने का। जाओ, मेरी चिंता मत करो, उसका पीछा करो। ठीक है, चलो बाल मित्र। महेश, ऐसा झूला झुलाओ ना कि मजा आ जाए। जीजा जी ने जब झूला झुलाया था ना तब अच्छी हवा नहीं आ रही थी। मासी, अब चिंता मत कीजिए, अब मैं हवा दे रहा हूँ। देखना, आपको मैं मुंबई से मनाली पहुंचा दूंगा, और मासी वहां भी बर्फ का ऐसा जबरदस्त तूफान आएगा। मत चलाना, हाथ चलाना। जी क्या होगा वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं। हाथ चला, चल जा पीछे, पीछे जा। हमें जा, मुझे जा। ये आ, ये ऐसे जोर से, जोर से, और तेज, और तेज, ये वाह वाह, मजा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। बाबूजी, अरे मासी, बाबूजी कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? कहीं मनाली तो नहीं पहुंच गए? मनाली कैसे पहुंचेगी मासी? बापरे मासी, आपने देखा नहीं बापूजी कहाँ चले गए? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सो गई थी। अब सो गई थी? बोलो बोलो, ये आम है? ऐसा मेहनत कर करके झूला झूला रहा हूँ और आप आराम से सो गई? तो इसलिए तो झूला झूला रहा था ना कि आप आराम से सो सके। लेकिन बापूजी कहाँ गए वो तो देखना चाहिए था। बापूजी, जीजा जी, ऊपर कैसे पहुंच गए? आज बिजली मानव का धरती पर आखिरी दिन है, मुझे जल्द से जल्द बाल मित्र और बाल सखी की मदद के लिए जाना होगा। नहीं बालवीर, तुम्हें इस वक्त बिजली मानव की तरफ नहीं बल्कि बिजली गोले की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली गोला और बिजली मानव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और जब तक बिजली गोला समाप्त नहीं होगा हम बिजली मानव को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली गोले से बिजली मानव लगातार ऊर्जा शक्ति प्राप्त करता रहेगा। अगर ऐसा है तो आज मैं बिजली गोले को भी नष्ट कर दूंगा। नहीं, अगर तुम उस बिजली गोले को बाहर से नष्ट करोगे तो उसके अंदर से इतना करंट निकलेगा कि हमारा पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। तो फिर उस बिजली गोले को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? बिजली गोले को नष्ट करने के लिए तुम्हें उसके अंदर जाना होगा, और उसके अंदर जाकर तुम्हें ये करंट डिफ्यूजर उसके अंदर फिट करना होगा। छोटे से डिफ्यूजर से क्या होगा? ये दिखता छोटा है बालवीर, पर इसके अंदर कई हजार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने की पावर है। जब तुम बिजली गोले को नष्ट करोगे तो उसके अंदर से जितना करंट निकलेगा ये सब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा शहर जलने से बच जाएगा। लेकिन बालवीर, लेकिन लेकिन क्या? उस बिजली गोले में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव। तुम जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करोगे तुम्हें तेज झटका लगेगा कि हो सकता है तुम जलकर राख भी हो जाओ। लेकिन अगर मैंने उस बिजली गोले में प्रवेश नहीं किया तो पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा।
और इसीलिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ए महेश बेटा, मैं यहाँ लटक गया हूँ, कुछ करो, मुझे नीचे उतारो। महेश, जीजा जी को ऊपर से नीचे उतारने के लिए वो लेके आओ। क्या? अरे वो जिसके ऊपर चढ़ने से जीजा जी डरते हैं। बाबू जी भूल गए, हम लोग जब राजस्थान गए थे तो आप ऊंट पर चढ़ने से कितने डर रहे थे। लेकिन ऊंट यहाँ घर में नहीं आ पाएगा भाई। अरे ऊंट नहीं, जिसके ऊपर चढ़ने से आदमी ऊपर पहुँचता है। झूला? झूले से कैसे कोई ऊपर चढ़ेगा? क्यों, बाबू जी चढ़े ना ऊपर। अरे नहीं झूला नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग एक सीढ़ी लेके आते हैं। हाँ सीढ़ी, कभी से वही बात कर रही हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे नीचे उतारो। हाँ उतारता हूँ बापू जी, उतारता हूँ, लेकिन पहले मालिये पर से सीढ़ी उतारनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उतारता हूँ। रुको। क्या रुके, जा। आ रहा हूँ मैं सीढ़ी। जीजा जी, आपके लिए चाय लेके आऊँ? इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है क्या? इतनी गर्मी में कोई ऊपर चढ़ता है क्या? ये कब आएगा? अरे इधर हूँ बाबूजी। तो इधर क्यों आई है ये बोल रहा था? अरे मैं तो सीढ़ी लेके आ रहा था, उसमें आई है ये बोला तो उधर चले गए आप। आई आइए बेटा, ये हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। ओके ओके, चलो एक काम करते हैं बाबूजी। आइए बाबूजी, आप ऊपर से कूदिए, मैं आपको से आराम से कैच कर लूंगा। कैच छूट गया तो आप आओ। मैं कैच छोड़ूंगा ही नहीं, आपको पता नहीं है बाबूजी, आपको पता नहीं है, हमारे कैप्टन के क्रिकेट के टीम का मैं स्कूल था। हमारी स्कूल की क्रिकेट की टीम का मैं कैप्टन था और वो टीम हमेशा हार जाती थी। तू सचमुच था? हाँ, क्यों? लेकिन तू जो था वो तो तू बोल भी नहीं पा रहा है। वो माइंड ऑफ स्लीप है मासी। क्या? स्लीप ऑफ माइंड है मासी। आयो। मैं पकड़ता हूँ, आप आइए। ठीक से पकड़ना। हाँ बहुत कस के पकड़ा है मैंने। ठीक से बेटा, जबरदस्त कस के पकड़ा है। मैं हूँ बाबूजी, आइए। पकड़ो मुझे। पकड़ो, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए खुले। वो देखो, बिजली मानव अपने आप को रिचार्ज करने के लिए बिजली गोले में जा रहा है, हमें उसे बिजली गोले में जाने से रोकना होगा। बिजली मानव को रिचार्ज होने के लिए बिजली गोले में जाना होगा, लेकिन उसके लिए बिजली मानव को बिजली तरंगों की शक्ति की जरूरत है। बिजली मानव रिचार्ज होने के बाद अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। बिजली मानव की बिजली तरंगों से अब दुश्मन नहीं बचेंगे। इस बिजली के गोले के अंदर जाना होगा, तभी मैं इसकी विद्युत शक्ति को सह पाऊंगा। बिजली मानव, तुमने अपनी बिजली शक्ति का उपयोग गलत साइज के लिए किया, इसलिए हम तुम्हें दो
देंगे। बिजली मानव खतरे में, बिजली मानव को अपनी रिजर्व तरंगों का इस्तेमाल करना होगा। बिजली की तरह ये तो बहुत तेज है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द बिजली सोखने वाले यंत्र को यहाँ पे लगाना होगा। लेकिन लेकिन मैंने लगाऊ कहाँ पर? यहाँ पे तो चारों तरफ बिजली ही बिजली है, कहाँ लगाऊ मैंने? मैं यहाँ पे लकड़ी का जाल बना देता ताकि मैं पर इन्हें लगा सकूं, क्योंकि लकड़ी पर बिजली की तरंगों का कोई असर नहीं होता। बालसखी, बिजली मानव की विद्युत तरंगें बहुत तेज है, हम इसे ज्यादा देर तक हवा में पकड़ कर नहीं रख पाएंगे। बाल मित्र, यह बालसखी समुद्र है, वही सही जगह होगी इसे छोड़ने की। तुमने बिजली मानव से टकराकर बहुत बड़ी गलती की है। बिजली मानव अपनी सारी तरंगों का इस्तेमाल करके तुम दोनों को राख बना देगा। अगर मैं ज्यादा देर तक आ रहा तो चलकर राख बन जाऊंगा। नहीं बिजली माना, गलती हमने नहीं तुमने की है, तुमने अपनी बिजली शक्ति का उपयोग शहर के विनाश के लिए किया, इसलिए आज हम तुम्हें और तुम्हारे अंदर की बिजली की शक्ति के आखिरी कण को भी तुम्हारे साथ साथ समाप्त कर देंगे। सागर की लहरें देख रहा बिजली मानव, जैसे तुमने अपनी बिजली शक्ति की मदद से शहर को अंधेरे में डाला है, ये सागर की लहरें भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डाल देगी। Oh!
भगवान। ओहो जीजा जी, ज्यादा दर्द हो रहा है तो ठीक है? बापूजी, बाहर बहुत ज्यादा कड़ी धूप है, लीजिए ये आपके लिए बाम लेके आया हूँ, आप लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। महेश हाँ? बाम लेके आया, तू आटा नहीं लाया? मौसी क्या बताऊँ, ज्यादातर दुकानें तो बंद है और जो खुली है ना उनका कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि उनके पास कोई स्टॉक ही नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, भूखे होंगे तो खाना कैसे पकेगा? अरे हाँ, हमारे पास वो है ना गोल गोल, वो फुटबॉल, फुटबॉल से खाना पकेगा क्या? वो जो हम बोलते हैं ना जेल में जाते हैं तो वो पीसना पड़ेगा, चक्की। हाँ चक्की। लेकिन चक्की पीसेगा कौन? पीसेगा कौन? क्यों, हमारे घर में चक्की है, गेहूं है, महेश है और जीजा जी भी है ना। तुम डाले जा रही हो लेकिन ये तो घूम ही नहीं रहा है। क्या जीजा जी, आपसे एक चक्की भी नहीं घूमती है? नहीं घूमती है मतलब मैं क्या जेल जाके आया हूँ जो मुझे इसकी आदत हो? तो आपको भेज दे क्या 2 दिन के क्रैश कोर्स के लिए जेल में? मतलब मुझे तुम जेल में भेजोगे? उन पर गुस्सा मत होइए बाबूजी, वो सिर्फ आपको वहाँ प्रैक्टिस के लिए भेजना चाहती हैं। हाँ बस यही सुनना बाकी था, नहीं घूम रहा है तो नहीं घूम रहा है। कमजोर बाबूजी। कमजोर बाबूजी, मैं कमजोर हूँ ना तो तू घुमा के बता इसको। तो मैं तो घुमा, तो आप ये लीजिए। तो आसान काम है ये, तो कोई भी कर सकता। ठीक है आसान काम आप कीजिए, मैं डिफिकल्ट करता हूँ, आइए। अब आप उठा के दिखाइए। अरे बाप रे, कितना भारी है ये? ये मिर्ची पिसने का बांबू है या हनुमान जी की गदा? मसाले पिसने वाला बांबू। तो उठाता हूँ ना, देखा भी दे, एक सांस में उठा लूँगा। कमाल ना। तुम्हारे अंत से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे अंदर की बिजली तुम्हें ही समाप्त कर देगी। बिजली मानव कभी नष्ट नहीं होता, बिजली मानव अपने दुश्मनों को नष्ट करता है।
खतरे से बिल्कुल बाहर है। बालवीर ने हमसे वादा किया था कि वो सलोनी को कुछ नहीं होने देगा, और बालवीर जो प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता है, इसलिए वो मोनिका का सुपर हीरो है, राइट? राइट। शाबाश बालवीर, बालमित्र, बालसखी, आज फिर से तुमने बड़े साहस और समझदारी से तुम्हारे शहर को अंधेरे में भेजने वाले बिजली मानव को खुद हमेशा के लिए अंधेरे में भेज दिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए विजदार परी, आज आपकी वजह से सलोनी की जान बच गई। लोक में अपनी शक्तिशाली मर्क्यूरी गोले के अंदर मैंने अपने अंदर और भी ज्यादा शक्ति संभाली है, अब मुझे कोई मात नहीं दे सकता, बालवीर तुम भी नहीं। अब तुम्हें सिर्फ मेरी मर्क्यूरी शक्ति का ही मुकाबला नहीं करना होगा, बल्कि मेरी मस्तिष्क की शक्ति से भी बचना होगा। अब ऐसा वार करूंगी मैं तुम पर कि सारी अच्छी शक्तियां मिलकर भी तुम्हें बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी। बालवीर, अपनी बची हुई सांसें गिनना शुरू कर दो। प्रचंड का उन्हें तुमसे छीनने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हर बार की तरह एक स्टूडेंट फिर से वही सेम टू सेम रिजल्ट लेकर आया है जो वो हर बार लेकर आता है। क्या आपको पता है कि वो स्टूडेंट कौन है? वो ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम है मोंटू। हमेशा की तरह इस बार भी फिर से मोंटू नीचे से फर्स्ट आया है। हर बार की तरह हमारे स्कूल के टॉपर है मेहर और मानव। सही बात है, क्योंकि मोंटू बस तो गधे, और गधे की कितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? क्या मत कर दे बॉस, ये रोहित आपको गधा कैसे कह सकता है? आप तो हाथी हो ना। ए, ए,
इसीलिए हमने तय किया है कि इस बार हम मेहर और मानव को उनके सर्टिफिकेट्स के साथ प्राइस के तौर पर एक साइंस फ्रेंड भी देंगे, ताकि उसकी मदद से वो हमारी स्कूल के लिए और भी कॉम्पिटिशन जीत सके। मेहर, ये साइंस फ्रेंड क्या होगा? पता नहीं माना, शायद लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई साइंस की बुक होगी। तो ये है वो साइंस फ्रेंड। तुम्हारा नया फ्रेंड एक रोबो है। मानव, मेहर, आगे आओ। नीचे से ही सही, पर फर्स्ट तो आया हो ना सर, तो इतना बड़ा नहीं, पर छोटा मोटा तो रोबोट दे देते। Shut up! मानव, मेहर, इस रोबो की खासियत यह है कि ये बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करता है। हर सब्जेक्ट के हर सवाल का जवाब है इसके पास। So, Meher, congratulations. Thank you, sir. Manav, congratulations. Thank you, sir. Puri Baba, इस रोबोट से तो ये मानव मेर और भी आगे निकल जाएगा और मोंटू बस का और भी ब्रांड बच जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये रोशन उतर नहीं आया अभी तक। वही तो पता नहीं कहाँ रह गया। ओए पापा जी, ये देखो। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मेरा रोशन पुत्र है। बल्ले बल्ले बल्ले। जीता रे मेरे पुत्र। देखा जी, फिर से मेरे बेटे ने टॉप किया। और मम्मी, स्कूल में पांचवा टॉप किया। मेरा रोशन पुत्र रे, आज हमारे दोनों का नाम रोशन कर दिया। ओए नाजी ना, हमारा नाम रोशन नहीं हो सकता जी। क्यों जी? हमारा दोनों का नाम रोशन हो गया तो घर में कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन से रोशन ने किस रोशन ने बुलाया। ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओए सोनी, इंटेलिजेंट पुत्र ने इंटेलिजेंट मां। उसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। पापा ने सेल्फी। या आजा, खड़ा हो जा। ओ आजा सोनी अंदर। क्या सेल्फी आई है भाई, कल पूरे ऑफिस में सबको दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, सेल्फी वेल्फी हो गया। अच्छा मेरे पुत्र, अभी अपनी ट्रॉफी शेल्फ में सजा देना और जल्दी से कपड़े चेंज करके फ्रेश होके आ जा। मम्मी ने तेरा पसंद का खाना बनाया है। आया मम्मी। संभाल के जाना। बस सुनिए, मेरी भी पसंद का कुछ बनाया कि नहीं? हाँ जी बनाया है जी, अभी लेके आती हूँ। और रोशन मेरा इंटेलिजेंट बुत्तर जीता रहा। हेलो दादाजी, हाउ आर यू? सब बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? अरे क्यों नहीं बनेंगे दादाजी, आपको पता है ये बहुत ही स्मार्ट है, इसे हर सवालों के जवाब पता है। और ये रहे इसके मैनुअल। लेकिन महेश, हमने अपने फ्रेंड का नाम तो रखा ही नहीं। तो क्या हुआ मानव, अभी रख देते इसका नाम। इसका नाम होगा किया। किया। माय नेम इज किया। माय नेम इज किया। किया, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया। अभी तक नहीं किया, पर आगे बहुत कुछ करूंगा, फिर आप मुझे कहेंगे क्यों किया क्यों किया।
रोबोट के साथ बाद में खेलना, पहले जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल है। हाँ? हाँ, जल्दी फ्रेश हो जाओ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि शीशा पानी की तरह बन रहा है, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ठीक है। और लगता है टॉप करने की खुशी में मैं सिर चकरा रहा है। ये शीशा तो सचमुच पानी की जैसे बन गया, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। रोशन पुत्र की आवाज है। अरे मेरा पुत्र, अरे कहीं गिरवीर तो नहीं गया? चलो देखते हैं। हाँ, हाँ, चलिए। और रोशन पुत्र है। रोशन, रोशन पुत्र, और रोशन पुत्र, और रोशन पुत्र तो यहाँ है ही नहीं। हरप्पा, आवाज तो यहीं से आई थी जी। पता नहीं कहाँ चला गया। और रोशन पुत्र है। एक मिनट में मैं लास्ट मिनट में आऊंगा। क्यों? मैंने भी टॉप किया, मैं खाऊंगी। हाँ तो मैंने भी टॉप किया, मैं खाऊंगा। मानो मैं तुझे पीट दूंगी, मैं खाऊंगी। एक मिनट, पहला पीस तूने खाया था तो आखिरी पीस मैं खाऊंगा। मैंने टॉप किया, मैं खाऊंगी। ओके? अरे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। ओहो, ये बच्चे भी ना बड़ी बड़ी चीजें एक दूसरे को आसानी से दे देते, लेकिन केक के आखिरी पीस के लिए झगड़ा करेंगे। अरे दादाजी, इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। कैसे? इस केक के आखिरी पीस को खुद खा ले। एक मिनट, हम दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाना चाहता है। और वैसे भी बल्लू लल्लू जो लेट आता ना, उसे कुछ नहीं मिलता। बल्लू, तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए अलग से केक रखा है, चलो। जाकर पता लगाना होगा कि वो है कौन जो बच्चों को गायब कर रहा है। हाँ, चल। दादाजी, हम अपने लिए पेन लेकर आते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन बेटा संभाल क्या। जी दादाजी। मुझे पता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। अरे, मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे तो और भी बच्चे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, उठो 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 उठो, हम सब कहाँ है? मुझे घर जाना है,
मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? एक बार जो यहाँ आ जाता है फिर वो मेरी मर्जी के बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कौन हो तुम? मुझे घर पे भेज दो ना। कौन कौन जाना चाहता है वापस अपने घर? बोलो। नहीं नहीं, हम घर नहीं जाना चाहते। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। मेरी बात मानोगे तो हंसता हुआ खिलौना मिलेगा, और नहीं मानोगे तो रोना पड़ेगा। सही मौका है, घर बिल्कुल खाली है और ये रोबोट भी मेरे सामने ही है। अब मैं आराम से इस रोबोट को चुरा लूंगा और बाद में मोंटू बॉस मुझे खिलाएगा जी भर के हिप्पी। करूँ क्या मैं? अगर पकड़ा गया तो चोर समझकर बहुत मार पड़ेगा। सब गड़बड़ हो गया। ए, इधर ही आ रहा है। पहुंच गया। ये दरवाजा सही टांग पर खुल गया वरना दादाजी हमें पकड़ लेता। ये दरवाजा नहीं है, मेरे किस्मत का दरवाजा है। मैनुअल नियंत्रण क्या कर रहे हो? अरे इसके नाम के साथ तो अच्छा तालमेल बैठ रहा है। एक किया, तुमने कुछ काम किया कि नहीं किया? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लगता है इसकी बैटरी डाउन हो गई है। इसकी बैटरी डाउन हुई है। एक काम करता हूँ, प्लग लगाता हूँ और बिजली से इसे चार्ज कर देता हूँ। बूढ़ी बाबा, इसको बिजली से चार्ज किया तो बिजली का झटका मुझे लगेगा। सूर्य तू चिंता मत कर, तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बच्चा जरूर मिल जाएगा। प्लीज। अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर, तुम बच्चों को बचाने वाले बालवीर हो ना। प्लीज प्लीज मेरे पुत्र को बचा लो। देखिए अब चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित आपके घर वापस आ जाएगा।
डॉक्टर साहब, पहले भी जो बच्चे गायब हुए थे वो भी अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे ना? हाँ, करेक्ट। सब एक ही तरह के बच्चों का गायब होना किसी के खतरनाक खेल का इशारा कर रहा है बालवीर। मेरा पुत्र। सॉरी। जरूर कोई सोच समझकर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान बच्चों को ही अपना निशाना बना रहा है। पर क्यों? क्या चाहता है आखिर वो इन बच्चों से?